16 क्रेडिट पॉइंट्स लेने पड़ते हैं क्लासेस अटेंड कर रहे हो रेगुलर आप एक घंटा दो घंटा भी दे रहे हो पावर बीआई एक्सेल पाइथन आर प्रोग्रामिंग आर स्टूडियो रैपिड माइनर टैब्लू वेबसाइट मेकिंग हेलो एवरीवन हाउ यू ऑल दिस इज यशमन चंदा एंड आई एम बैक अगेन विद अ व्लॉग एंड आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है ये वो वीडियो है ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स आए एंड दिस इज रिलेटेड टू योर करियर एंड डायरेक्ट आपने लाइक देख के पता चली गया होगा आपको कि भी किस बारे में बात करने वाला हूं सब टाइटल या आप थमनेल देख के पता चली गया होगा सो टूडे आई एल बी टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट सेमेस्टर रिव्यू ऑफ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स मुझे यहाँ पर आए चार से साढ़े चार महीने हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ आई एम ऑन फुल वर्किंग राइट्स मेरे पास ट्वेंटी फोर आवर्स की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म हो चुकी है एंड टिल मार्च जब तक मेरा अगला ट्राइमेस्टर स्टार्ट नहीं होता तब तक मेरे पास फुल वर्किंग राइड्स है तो आज फर्स्ट सेमेस्टर का रिव्यू फर्स्ट ट्राइमेस्टर का रिव्यू करने वाला हूं मैं रिव्यू इन द वे की हाउ इज इट क्या चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए था क्या डिफिकल्टी लेवल है कैसे इसका पैटर्न है लाइक असाइनमेंट्स एग्जाम्स एंड कितना मुझे हार्ड लगा मैं अपनी पास स्टडी से रिलेट करके बता सकता हूँ कि मुझे कितनी नॉलेज थी एंड उस लेवल से मुझे एक कोर्स कितना टफ लगा हैंडल करने में अभी मेरा इसका रिजल्ट नहीं आया रिजल्ट तीन मार्च सॉरी तीन नवंबर हाँ तीन नवंबर को आने वाला है तो किसी यूनिट में मैं लटकता हूँ लटकता इन देंस कि फेल होता हूँ या पास होता हूँ उसका जब तक रिजल्ट नहीं आता कुछ नहीं कह सकते बिकॉज एवरी इज़ न्यू टू मी नाउ तो अभी मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता बट जितना मुझे है पता है आई हैव क्लियर ऑल द यूनिट्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एक वेबसाइट का डीकन की वेबसाइट का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा सब कुछ एंड आई विल बी टॉकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन जो हमें वेबसाइट के बारे में जो भी कोर्सेज हैं जो भी यूनिट्स हैं सब कुछ उसमें हमारी उस वेबसाइट में आप पढ़ सकते हो एक बार मैं आपको सारा का सारा डिटेल में बता देता हूँ सो लेट्स स्टार्ट वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है मे बी फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स तक चली जाए सो so, इस वीडियो में जो मैं फर्स्ट एमेस्टर मेरा क्लियर हुआ इसके बारे में बताता हूँ क्लियर मतलब मैंने फर्स्ट एमेस्टर के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं एंड अब कोई एग्जाम असाइनमेंट पेंडिंग नहीं है तो so, ये ट्राइमेस्टर फर्स्ट टाइमेस्टर आई थिंक सभी के लिए डिफिकल्ट रहेगा डिफिकल्ट इन द वे यार कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो स्टडी स्टार्ट करोगे स्टडी हर एक चीज एक साथ बर्डन आएगा जॉब भी ढूंढनी है काम भी करना है अगर इंडिया से पैसा नहीं आ रहा है जॉब भी ढूंढनी है काम भी करना है स्टडी भी मैनेज करनी है खाना बनाना है घर ढूंढने की टेंशन बहुत सारी टेंशन है बहुत सारा स्ट्रगल स्ट्रगल रहने वाला है तो ये पहला ट्राइमेस्टर टफ होता है टफ इन द वे आपको समझ आ जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कि ये गलती अगले में नहीं दोहरानी एंड कैसे सब चीजों को मैनेज करना है वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आना है वर्क स्टडी बैलेंस कैसे आना है तो इससे आपको पता चल जाएगा सो so, पहला ट्राइमेस्टर जो मेरा निकला है इसके अंदर मैंने चार यूनिट स्टडी करी है सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि डीकन यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपकी इस वीडियो को देखने के बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड बेसिक ऑल जो यूनिवर्सिटी के लाइक क्राइटेरिया है वो सारे क्लियर हो जाएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए सिक्सटीन क्रेडिट पॉइंट्स लेने पड़ते हैं अब ये क्रेडिट पॉइंट्स क्या है फॉर वन यूनिट एक यूनिट की सक्सेसफुल कंप्लीशन पर आपको एक पॉइंट मिलेगा आपको सिक्सटीन क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं जिसमें से आपकी ट्वेल्व कोर यूनिट्स हैं अब ये कोर यूनिट्स क्या हैं कोर यूनिट्स होती है मेजर यूनिट्स विच यू हैव टू कंप्लीट टू सक्सेसफुली गेट द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स ये डिग्री आपको लेने के लिए ये बारह सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने ही करने हैं अब ये सब्जेक्ट्स के पहले मैं नाम बता देता हूँ ये सारे के सारे नाम प्रोवाइडेड हैं जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करता हूं इसके बारे में इसके बाद में बताता हूँ मैंने कौन से चूज करे थे फाउंडेशन स्किल्स इन डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा बेस वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स डिसीजन मॉडलिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स मशीन लर्निंग इन बिजनेस रियल वर्ल्ड एनालिटिक्स एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बिजनेस ए आई साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटिज डिसीजन एनालिटिक्स इन प्रैक्टिस ये हैं ग्यारह यूनिट्स एंड इसके अलावा दो और यूनिट्स में से आपको चॉइस करनी पड़ती है जो इलेक्टिव्स हैं बारहवीं यूनिट वो है पीपल एनालिटिक्स और मार्केट एनालिटिक्स बारह यूनिट ये उसके अलावा चार यूनिट्स चार यूनिट्स के अंदर जो आप चूज कर सकते हो कोई भी स्पेशलाइजेशन के लिए चार यूनिट्स पढ़ सकते हो उसके अंदर कैसा रहेगा कि मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन एक्स वाई जेड तो उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन की प्रोवाइडेड रहेंगे कि आप किस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर गो थ्रू करना पड़ेगा उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा क्योंकि वरना मुझे और डीप जाना पड़ेगा इसके अंदर तो चार यूनिट ये या कोई भी चार यूनिट ऐसी जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है डीकन का जिसके लिए आप एलिजिबल हो वो चार यूनिट्स आप और कंप्लीट करके सक्सेसफुली सिक्सटीन क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट कर लोगे और आपको डिग्री मिल जाएगी सब में पास होना पड़ेगा दूसरी बात करते हैं इसकी फीस की सबको पता ही है जिससे मेरी पहली वीडियोस देखी हैं कि फीस आपकी लगभग रहने वाली है अब इस साल बढ़ जाती है तो मुझे पता नहीं मेरी फीस टोटल थी सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर्स एंड विथ स्कॉलरशिप मुझे सिक्सटी थाउजेंड डॉलर्स पड़ गई लाइक भरनी है जिसके अंदर मैंने फिफ्टीन थाउजेंडें डॉलर्स मैं पहले भर के आया हूँ अब मुझे सेकंड टेमेस्टर की भरनी है जिसकी मेरे को ट्वेंटी परसेंट की स्कॉलरशिप मिली थी थोड़ी फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींच पाऊँ आधे घंटे की ना हो जाए मुझे 20 परसेंट की स्कॉलरशिप मिली विच वॉज आई वॉज हैप्पी अबाउट बट मुझे यहाँ के पता चला कि बच्चों को 25 परसेंट की भी मिली है पेरेंट्स देख के कहेंगे यार पंद्रह हज़ार मैं भर रहा हूँ तो ऐसे बच्चे भी हैं जो चौदह हज़ार यूनिवर्सिटी की फीस भर रहे हैं तो स्कॉलरशिप के बाद आपको यह रहेगा स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ये है कि आपको सिक्सटी इन ओवरऑल आपको मेंटेन करके चलना है एंड यहाँ पर पासिंग का क्राइटेरिया थर्टी थ्री मार्क्स नहीं होता इंडिया की तरह यहाँ पर आपको फिफ्टी परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे और यह भी मैंने सुना है कि बच्चों से कि अगर 65 नहीं आ रहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो भी स्कॉलरशिप मेंटेन हो जाती है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मेरा रिजल्ट आएगा मेरी स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट दे दूंगा इसके बाद बात करते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे डीकन स्पेशलेसन के डीकन के बारे में बात कर रहा हूं तो प्लीज गेट इट चेक ये क्वेश्चन अपना क्लियर कर लेना जो मुझे एंड डेज में आगे पता चला है हडल एक वर्ड होता है हर्डल ये हर्डल क्या है कि आप पता कर लेना जिस यूनिवर्सिटी जिस यूनिट में आप एनरोल कर रहे हो उसमें हर्डल है कि नहीं है हर्डल इन द वे कि अपार्ट फ्रॉम असाइनमेंट्स ग्रुप असाइनमेंट्स नॉर्मल असाइनमेंट्स क्विजिज आपका जो मेन एग्जाम रहेगा एंड में पहले यूनिवर्सिटीज में लाइक पर्टिकुलर यूनिट्स में एग्जाम्स रहते हैं तो उस एग्जाम्स के अंदर हर्डल का मतलब यह होता है कि आपने असाइनमेंट्स के अंदर कितने भी मार्क्स स्कोर करें डजेंट मैटर बट आपको जो आपका एग्जाम है वो ओपन बुक है जैसा भी एग्ज़ाम है उस एग्जाम के अंदर आपको मिनिमम फिफ्टी परसेंट लाना ही पड़ेगा फिफ्टी मार्क्स का एग्जाम है तो आपको ट्वेंटी फाइव मार्क्स लाने ही पड़ेंगे वो आपका हर्डल है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके जैसे सत्तर में से आपके पचास मार्क्स आ चुके हैं आप ओवरऑल फिफ्टी से अब लेके आ चुके हो बट आप अगर उस हर्डल को कम्प्लीट नहीं करते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो गे. तो ये हर्डल वाला करना बट ये हर्डल वाला सिस्टम मैंने अभी स्टार्ट करा लाइक मेरा किसी भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में हर्डल नहीं था जो यूनिट्स में मैंने एनरोल किया था अब बात करता हूं कि मैंने कौन सी यूनिट चूज करी थी अपने लिए और यहां पर ऐसा भी सिस्टम होता है कि आपको किसी आ, लाइक पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपको उससे पहले दो तीन यूनिट यूनिट कंप्लीट करनी पड़ेगी वो कौन सी यूनिट है ऐसा मैंने सुना है बट अभी मैं आगे फर्दर नहीं गया तो मैं आपको नहीं बता सकता आप फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे तो कौन सी यूनिट आप चूज कर सकते हो और कौन सी ईजी है मैनेजेबल मैंने चूज करी थी फाउंडेशन स्किल्स इन डाटा एनालिटिक्स रियल वर्ल्ड एनालिटिक्स मशीन लर्निंग इन बिजनेस एंड मार्केट एनालिटिक्स मार्केट फाउंडेशन स्किल्स इन बिजनेस एनालिटिक्स इज अ कोर्स जो सभी को करना पड़ेगा ये आपको बेसिक एक्सेल से रिलेटेड है एक्सेल बार चार्ट डाटा डाटा होगा हो उसको एक्सेल के अंदर कैसे डालना है एंड उससे बेसिक एक्सेल के बारे में बेसिक नहीं एडवांस एक्सेल भी कह सकते हैं बट इट्स मैनेजेबल और ये लाइक like, कोई एम का स्टूडेंट है उसको भी करना पड़ेगा एंड कोई मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का है तो वो भी कर रहा है ये वाला कोर्स तो so ये एक मैंडेटरी काइंड ऑफ कोर्स है कि आपको एनालिटिक्स से रिलेट करेगा आपको बेसिक क्लियर करेगा तो ये कोर्स आपको करना पड़ेगा एंड इन द स्टार्टिंग विद असाइनमेंट्स इट इज इट इज़ प्र मच ईजी बट मैंने इसके एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है क्योंकि फिफ्टी मार्क्स का एग्जाम था ओपन बुक था बट स्टिल आई स्ट्रगल्ड अलॉट इट्स नॉट दैट इजी जो हम सोचते हैं ढाई घंटे ऐसे बीत गए पता भी नहीं चला दूसरी बात करता हूँ फाउंडेशन स्किल्स के बारे में बता दिया मैंने पढ़ा क्या क्या फाउंडेशन स्किल्स में लाइक like, डाटा है उसको विजुलाइज विजुलाइज करना बार चार्ट्स उसको समझना उनकी लाइक like, विजुलाइजेशन को एनालाइज करना वो चीज़ें समझना बार चार्ट स्कैटर प्लॉट्स एंड ऑल्सो मीन मॉड मीडियन इट्स नॉट दैट जस्ट मीन मॉड मीडियन इसके अंदर ही बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं बहुत सारे हारमोनिक मीन जियोमेट्रिक मीन डीप इनसाइट एंड दिस वॉज फाउंडेशन स्किल्स इन डाटा एनालिटिक्स इज बेसिकली ऑल अबाउट एंड और डीप जाऊँगा तो बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी आप फाउंडेशन स्किल्स के बारे में पढ़ सकते हैं इस साइट से एंड इसके अंदर मेरे एग्जाम दो असाइनमेंट्स थे एक बीस नंबर का एक तीस नंबर का जिसके अंदर पचास में से मैंने थर्टी नाइन स्कोर कर लिए थे और मुझे अगले पचास में से बस बारह मार्क्स चाहिए पास होने के लिए एंड मुझे वो भी टफ लग रहे हैं Let's see, कैसे करके आया हूं बीस पच्चीस मार्क्स का बट लेट्स सी कैसा रहता है uh, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा वो तो किसी भी में करना पड़ सकता है आपको रियल वर्ल्ड एनालिटिक्स इज अ कोडिंग लेक्चर प्लस कोडिंग सेमिनार्स आपका सारा इसके अंदर एक लैंग्वेज है रियल वर्ल्ड जिसके अंदर पढ़ेंगे आप आर स्टूडियो पे आप काम करेंगे आर लैंग्वेज पर तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी ये ऐसा है कि इसका एग्ज़ाम मेरा ऐसे था कि ट्वेंटी फोर आर्स की विंडो थी काम करने के लिए सब सेवेंटी मार्क्स की असाइनमेंट थी सेवनटी में से तीन असाइनमेंट थी एक ट्वेंट ट्वेंटी मार्क्स के क्विजिज ट्वेंटी की असाइनमेंट एक थर्टी के असाइनमेंट्स सेवेंटी में से मैंने फिफ्टी वन स्कोर कर लिया था एंड लेटर मैं उसमें ऑलरेडी पास हो चुका था तो मेरे एग्जाम से भी कुछ ना कुछ मार्क्स आएंगे थर्ड जो मैंने यूज़ करी वो थी मशीन लर्निंग इन मशीन लर्निंग इन बिजनेस विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू पाइथन आधे बच्चे डर जाएंगे बट स्टिल पाइथन स्टिल एंड में आके जो मेरी पहली असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे आई स्कोर ट्वेंटी फोर आउट ऑफ फोर्टी बट मैंने जब सेकेंड असाइनमेंट को उठाया और फर्स्ट असाइनमेंट को मैंने देखा कि यार कितनी ईजी थी क्योंकि मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं आखिरी के दो तीन दिन में हम पढ़ते हैं इंडियंस हैं आदत है आखिरी टाइम पे वर्डन लेने की वही यहाँ पर मैंने किया है कि पूरे ट्रेमेस्टर में पहले ट्रेमेस्टर इतना सीरियस नहीं लिया मैंने स्टडीज़ को और एंड में स्ट्रगल किया सो so इस बारे में भी आता हूँ बाद में तो मास्ट मशीन लर्निंग इन बिजनेस इज बेसिकली रिलेटेड टू पाइथन एंड जो मैंने लास्ट किया वो मार्केट एनालिटिक्स एंड ये कोर्स काफ़ी इजी था काफ़ी ये वाला सब्जेक्ट काफ़ी इजी था क्योंकि एक एक्टिवज है पीपल एनालिटिक्स या मार्केट एनालिटिक्स में से आपको चूज करना है तो ये कोर्स था मैंने चार कोर्स चार यूनिट्स कंप्लीट करे हैं एंड अब बात करता हूँ कि यार मैनेजेबल है कि नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर के रिव्यू से मैं बता रहा हूं मैंने डिग्री कंप्लीट नहीं करी है सी मैं मेरी जो स्टडी है मैंने करी है बाई ट्वेल्थ में कॉमर्स एटी विद मैथ्स जो कोई काम नहीं आया शायद अब आ रहा है थोड़ा बहुत मैथ्स आदत सी थी पहले पढ़ने की एंड आफ्टर दैट आई कम्प्लीट बीबीए एंड साइड बाई साइड में अपना बिजनेस जॉब कर रहा था तो मुझे भाई मैं ऐसा था आप आधे बच्चे रिलेट करोगे इस चीज से वीडियो ट्वेंटी मिनट्स की जाने वाली है सॉरी फॉर दैट ट्वेंटी से ट्वेंटी टू मिनट्स की आप रिलेट कर सकते हो कि आधे बच्चे कर लेंगे रिलेट जिनकी स्किल्स बिल्कुल जीरो हैं सॉरी बट आपकी स्किल्स आपको भी पता है आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो आई वॉज द वन जिसको लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था ये पड़ी मैकबुक मुझे पता है मैकबुक मैंने कितनी मतलब हो गया स्टार्ट कर लिया ना मुझे वर्ड चलाना आता था ना मुझे एक्सेल चलाना आता था बस बेसिक्स पता थे जो फिफ्थ क्लास के बच्चे सिक्स क्लास के बच्चे को भी पता होंगे मुझे उतना वर्ड और एक्सेल चलाना आता नहीं था आई वॉज नॉट प्रोफिशियट और एक्सपर्ट या कुछ मुझे आता होगा या मैं पढ़ के आया था इंडिया से इस इस इनको आ, इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में इन पाइथन वगैरह कुछ नहीं पढ़ के आया था बट स्टिल आई मैनेज इट एंड आई मैनेज इट इन द लास्ट डेज लास्ट डेज इन द मीन कि असाइनमेंट से दो दो तीन तीन दिन, दिन पहले मैंने मैनेज करना स्टार्ट किया है एंड ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने जो क्लासेस अटेंड कर रहे थे मैंने क्लासेस भी अटेंड नहीं करी और डी कन यूनिवर्सिटी में मेरे कोर्स के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अटेंडेंस का कोई सीन नहीं था कि अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं थी बट चेक कर लेना अपने कोर्स में अपने ट्राइमेस्टर में जिसमें आप आओगे कि अटेंडेंस मैंडेटरी है कि नहीं है मेरे टाइम में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं थी बट स्टिल आई मेंटेन अप टू सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट अटेंडेंस सेवेंटी परसेंट जो वीज़ा कंडीशन होती है मैंने वो भी मेंटेन करके चली है तो अटेंडेंस का भी कोई इशू नहीं था बट उतना प्रॉपर पढ़े नहीं है क्लासेज के अंदर बट स्टिल आखिरी दिनों में पढ़कर असाइनमेंट्स भी निपटाए असाइनमेंट्स में आई स्कोर वेटी मच वेल डिस्टिंक्शन लेवल मतलब सेवेंटी सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आई स्कोर्ड इन माई असाइनमेंट इन एवरी ईच ऑफ दलूडिंग मशीन लर्निंग इन बिजनेस तो आप अब ये सोच रहे होगे कि इंडिया से कुछ करके आए कोर्स इंडिया से कोर्स का भाई ऐसा सीन है कि यहां, यहां का पैटर्न स्टडी का बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से जस्ट बी कॉन्फिडेंट इंडिया से आप कोर्स करके आओगे हाँ थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको कि अगर आपका एक्सेस स्ट्रांग है और जो लैंग्वेज हैं वो एक अलग तरीके से पढ़ाई जाएंगी आप इंडिया से कोर्स करके आओगे वो आपको बिज़नेस से रिलेटेड करके नहीं पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पर आप बिज़नेस से रिलेट करके पाओगे वो आप पढ़ोगे वो आपको बेसिक्स क्लियर कर देंगे दैट इज़ जो आपको हेल्पफुल हो सकता है और होगा ऑब्वियसली बट यहाँ पर आपको हर एक चीज डिग्री के अंदर कि एक डाटा है एक सीनेरियो है एक केस है उसको आपने एनालाइज करना है और बिजनेस प्रस्पेक्टिव से आपको उस के बारे में लिखना है रिपोर्ट राइटिंग करनी है कोडिंग करनी है कोडिंग से मॉडल्स बनाने हैं ये आप चीज़ें समझोगे जब आओगे समझ जाओगे बट इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास लाइक आप अपने आप को कहते हो कि भाई मैं सी लेवल पे स्टैंड करता हूँ कि मेरे पास स्किल्स नहीं है मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि यार मैं पढ़ता था नहीं है मुझे लगता है कि मैं नहीं पढ़ता बट स्टिल ऐसा है कि अगर आप यहाँ आकर आप क्लासेज अटेंड कर रहे हो रेगुलर आप एक घंटा दो घंटा भी दे रहे हो एंड तक बिलीव नहीं कर रहे तो दिस कोर्स इज प्रिटी मच मैनेजेबल टिल फर्स्ट सेमेस्टर एंड ऐसे बच्चे भी हैं जो निकाल रहे हैं मतलब बच्चे निकाल जाते हैं कोर्स कोर्स इज बिट टफ बट मैनेजेबल पढ़ोगे तो एवरी थिंग इज मैनेजेबल सो कोर्स लेके आना चाहिए नहीं आना चाहिए दैट इज़ योर डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप किसी की देखा देखी में या मेरे कहने पर ये कोर्स लेके आ जाओ ये कोर्स एस सो ए लिस्ट स्टिल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अवेलेबल है बट स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप ये नहीं कह सकते है, आपको कन्फर्म इसमें पी आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पी आर लिस्ट के लिए पी आर के लिए भी क्राइटेरियाज होते हैं आपको वो फुलफिल करने पड़ेंगे सो so आपको वो मैं श्योरिटी नहीं दे सकता मैं अपनी श्योरिटी नहीं हूँ कि मेरा पीआर होगा नहीं होगा एंड वो बात का प्रोस्पेक्टिव है गोल है बट वो बात का प्रोस्पेक्टिव है स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते पढ़ोगे अच्छी जॉब ले लोगे वो भी हो जाएगा सो पीआर आर से ये कोर्स तो अवेलेबल है बट आई विल नॉट डेफिनेटली कि आपको मैं मेश्योरिटी दे सकूँ कि आपका पी आर इस कोर्स में होगा कि नहीं होगा यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट यू हैव टू सिक्योर अ गुड जॉब तभी आप इस बारे में सोच सकते हैं पी आर परस्पेक्टिव आपका क्लियर कर दिया मैंने स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है एम बी ए का कोर्स नहीं है स्किल ऑक्युपेशन लिस्ट में एंड ये कोर्स ना ऐसा कोर्स है मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स कि हर एक बच्चे को ना एजेंट कह रहा है कि यार जैसे आज से चार पाँच साल पहले ऐसा था जब मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया आने का सोचा था कि मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग उस टाइम एस एल लिस्ट में था और बच्चे भर भर के प्रोफेशनल अकाउंटिंग में आ रहे थे अब क्या सीन है अब मास्टर वो हट गया है अब ये बिजनेस एनालिटिक्स है तो बच्चे इस कोर्स में बहुत आ रहे हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स में क्योंकि भाई एम अपनी बीबीए कर रखी है बीकॉम कर रखी है आपने उसके बाद बिजनेस वर्ड देख लेते हो एजेंट गाइड कर देता है चार बच्चे और बच्चे ये ये कोर्स लेके जा रहे हैं आप भी लेके जाते हो भाई ऐसे कोर्स मत लेके आओ प्लीज़ गो थोरोली उस कोर्स को स्टडी करो मैं जो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लिंक में जाके अच्छे से पढ़ो कि आपको यूनिवर्स आपको हर एक यूनिट की डिटेल मिल जाएगी कि आप क्या पढ़ोगे एंड सोचो कि यार आप ये फ्यूचर से आपके करियर से जो आप बनना चाहते हो उससे रिलेट करता है कि नहीं करता ये चीज आप प्लीज चेक करो तब इस कोर्स को चूज करो किसी की देखा देखी में पी आर है देख के नहीं आके कोर्स ही निपटा पाओगे आके अगर इतना लाइक उस बर्डन को हैंडल ही नहीं कर पाओगे उस कोर्स को स्टडी नहीं कर पाओगे पैसा पैसे के पीछे भागते रहोगे अगर वो भी रीजन है पैसा पीछे भागते रहोगे तब ये कोर्स मैनेज नहीं हो पाता फेल हो गए दो यूनिटें फेल हो गए आठ दस हजार डॉलर चले गए क्या करोगे देखा देखी में मत पढ़ के आओ सोचो डिसाइड करो तब इस कोर्स को चूज करो कोर्स इज मैनेजेबल बट पढ़ना पड़ेगा इस कोर्स के अंदर आप सोचो मैं चालीस चालीस पचास पचास घंटे काम भी कर लूँ लीगल इलीगल जो आपका मन करे जैसे मर्जी काम भी कर लू और आप स्टडी भी निपटा लूँ भाई उसके लिए तो फिर आपको हेड्स ऑफ है नहीं रहा है मैं हेड्स ऑफ है लिटरली कि बहुत टफ हो जाएगी वो चीज़ आपके लिए बट कर सकते हो तो यार ठीक है आप तो कोर्स इजी बट टफ बट मैनेजेबल पढ़ना पड़ेगा पीआर पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता ही दिया एंड इसके अंदर जो मैंने यूनिट्स यूनिट्स पढ़ी हैं वो भी बता दी फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है अपनी पास स्टडी कि मैं किस लेवल पे स्टैंड करता रहा जिसको लैपटॉप चलाना नहीं आता था भाई कोई वो नहीं है शर्मा शर्म नहीं है यार कोई वो नहीं है कि यार तुझे आता नहीं था बट स्टिल मैंने इस चीज़ को ऑप्ट किया एंड कि, yeah, आई डिसाइडेड कि या आई विल डू इट मैं पढ़ूंगा इस चीज को अब तो मैं कर सकता हूं इन द वे कि अगर आप उसको आप आप उस लेवल पे स्टैंड करते हैं आप हर एक को पता अपने बारे में कि वो किस लेवल पे स्टैंड करता है आप सोचते हैं मुझे मेरे अंदर स्किल्स नहीं है लैपटॉप चलाना नहीं आता कोई सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं है एक्सेल नहीं आता वर्ड नहीं आता थोड़े बहुत कोई वर्ड आर्ट चलाना आता है बट हो जाएगा आके पढ़ना पड़ेगा एंड पी आर लिस्ट सारे डाउट्स आपके मेरे हिसाब से तो इसको इस वीडियो के बाद क्लियर हो ही जाएंगे कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बस इतना कहूंगा भाई एजेंट के कहने पे या किसी की देखा देखी में ये कोर्स मत लेकर आना सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो एंड और देख लेता हूँ कोई पॉइंट रह गया हो तो आ, थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे हुए थे मैंने कि सी ये अपना जो कि पॉइंट्स लिखे थे वो बता देता हूँ कि ये प्रॉपर मैनेजमेंट कोर्स नहीं है पहली बात तो ये आई और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है बिजनेस वर्ड देख के ऑप्ट मत करना मैनेजमेंट प्लस आईटी कोडिंग लैंग्वेजेस और ठीक है सोलह सोलह टोटल यूनिट कंप्लीट करने पड़ेगी मतलब सिक्स इन क्रेडिट पॉइंट्स देने पड़ेंगे बारह आपकी कोर यूनिट्स हैं यूनिट्स के नेम मैंने आपको बताई दिए हैं और जो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा उसमें भी जाकर आप यूनिट्स पढ़ सकते हैं और उस लिंक के अंदर आपको प्रोवाइडेड रहेगा कि किस यूनिट में आपका एग्जाम है कौन कौन सी यूनिट थोर लाइक थ्योरी है एंड प्रैक्टिकल है वो आपको यहाँ के पता चलेगा बिकॉज मेरी भी चार यूनिट आई हैं तो मैं आपको आगे की यूनिट्स का पढ़ के बता नहीं सकता कि यार क्या है इनके अंदर जो आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर पढ़ोगे वो आपके रहेंगे पावर बी आई एक्सएल पाइथन आर प्रोग्रामिंग आर स्टूडियो रैपिड माइनर टैबल्यू वेबसाइट मेकिंग वेबसाइट मेकिंग इन द सेंस कि ये मैंने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आता है जो मैंने देखा अभी तक डैशबोर्ड क्रिएट करना और सब कुछ तो ये इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो मुझे पता है कि ये पढ़ने वाले हैं हम पावर बी आई एक्सेल पाइथन आर प्रोग्रामिंग रैपिड माइनर एंड कुछ यूनिट आपको ऐसा भी होगा कि टफ़ होगी बहुत ज़्यादा मैनेज करनी जहाँ पर आपको ऐसा हो जाएगा कि आखिरी ट्राइमेस्टर तक जब आप स्किल्ड हो जाओगे जब आप आधे से ज़्यादा कोर्स निपटा चुके हो बड़े बड़े असाइनमेंट्स आएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेकिंग आएंगी साथ साथ जॉब भी मैनेज करनी होगी फ़ीस भी निकालनी होगी इंटर्नशिप भी करनी होगी बिकॉज ये नहीं है कि यार बस कोर्स ले लिया और आपको जॉब मिल जाएगी आगे इंटर्नशिप भी बहुत मैटर करती है यहाँ पर मैं भी इंटर्नशिप के लिए ढूंढ ही रहा हूँ सो वो चीज़ें देख के करना सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड and... तो मुझे लगा कि नहीं यार मैंने जो हर्डल का मतलब है प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया या इन अप्रोप्रिएट मीनिंग जा रहा है उसका वीडियो में एंड वीडियो शूट करे दो दिन हो चुके हैं एक्चुअली सो so दोबारा ये क्लिप डाल रहा हूँ उसके अंदर तो भाई हर्डल का मतलब ये है हर्डल इन लाइक जो आपकी यूनिट के अंदर जो मैंने पूरा पढ़ के दोबारा चीज़ सारी चेक करी हर्डल का मतलब ये है कि सी आपके असाइनमेंट्स प्लस एग्जाम्स एग्जाम्स के अंदर हर्डल है तो मतलब यूनिट के अंदर हर्डल है तो मतलब एग्जाम्स के अंदर आपको 51 मार्क्स मतलब 50 परसेंट अब लाना ही पड़ेगा और साथ में जो असाइनमेंट्स बच गए असाइनमेंट्स के टोटल मिला के फिफ्टी वन परसेंट लाइक फिफ्टी परसेंट अब करना पड़ेगा इसको इंटरनल मान लो इसको एक्सटर्नल मान लो तो इसके अंदर ही 50 परसेंट पंदर फिफ्टी परसेंट अबव और अगर हर्डल नहीं है तो ओवरऑल सब कुछ मिला के कहीं पर कितने कहीं पर कितने मिला के भी आपको 51 वन लाने ये इसका हर्डल का मतलब मुझे लगता है बेटर आपको एक्सप्लेन हो गया होगा एग्जाम में फिफ्टी परसेंट अबव एंड ओवरऑल असाइनमेंट्स एंड क्रीजेज में मिला के फिफ्टी परसेंट अबव लाने दोनों में ये क्राइटेरिया हर्डल का एंड विदाउट में आपको बता दिए सब कुछ मिला के पचास से ऊपर मैटर नहीं करता किसी में दस आ रहे हैं किसी में बारह आ रहे हैं कैसे मर्जी आ रहे हैं एंड बस यही मतलब मुझे लगता है एंड ये आपको शायद बेटर एक्सप्लेन हो गया होगा इसका मतलब सारा कुछ जो कुछ मेरे माइंड में इस वीडियो से रिलेटेड था इस कोर्स से रिलेटेड था वो मैंने आपको बता दिया बट स्टिल एंड तीन नवंबर को जो मेरा रिजल्ट आएगा मैं उसके बाद बता दूंगा कि मैंने पास किया कि नहीं किया तो उसके बाद तो आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि भाई आपका पहला टाइम अस्ट तो कंप्लीट निकल जाएगा अगर मेरा निकल गया तो बिकॉज मैंने कैसे मैनेज किया मुझे पता है एंड ऑल्सो हर्डल वाली चीज़ ध्यान में रखना आने से पहले एंड बस यही चीज़ें हैं और तो कुछ क्या ही बताऊँ आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आपको मैं इस कोर्स का पूरा का पूरा बता सकता हूँ एंड ऑल्सो डीकन इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी टू गो फो एवरी यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड एंड स्टिल हर एक यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है लाइक लेवल वन यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्रुप ऑफ एट का पार्ट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हुए डीकन यूज़ करते हुए दे ऑल आर ग्रोइंग एंड फैकल्टीज़ लाइक डीकन की मुझे बहुत अच्छी लगी एंड दे आर सपोर्टिव एज वेल डीकन यूनिवर्सिटी की पढ़ाने में अच्छे हैं पढ़ोगे तो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं डी कैन यूनिवर्सिटी अच्छी लगी मुझे नो no डाउट और यूनिवर्सिटी में जाओगे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ की लाइक वो होती है ना यूनियन दूसरा वो भी है वो ज्वाइन कर सकते हो यूनिवर्सिटी से आपको इंटर्नशिप में हेल्प मिलेगी आप लाइक पैसे को साइड रख पैसे को भी करते हुए लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में फोकस रखोगे तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के अंदर आगे जा सकते हो स्किल्स हैं आपको स्टडी के अपार्ट बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी कराती है यूनिवर्सिटी में मजे भी हैं इवेंट्स भी होते हैं तो बहुत कुछ है सो ओवरऑल डी के यूनिवर्सिटी के बारे में कहूँगा तो यार अच्छी यूनिवर्सिटी है यू कैन गो फॉर इट एंड अफोर्डेबल भी है बट लाइक उत, like, उतनी महंगी यूनिवर्सिटी नहीं है अफोर्डेबल भी है महंगी तो है ये ओब्वियसली यार सत्तर हजार पचहत्तर हजार चालीस लाख रुपए फीस है दो साल की तो अफोर्डेबल मैम कितनी है वो आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो अगेन आई लाइक डिड एवरीथिंग जो भी मेरे माइंड में था सब कुछ मैंने आपको इस बारे में बोल दिया है प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए अगर आपने तो मुझे लगता है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे स्टिल मैं यूट्यूब पर लाइक विद इन अ डे और टू बिकॉज मैं फुल टाइम आ गया हूँ और अभी मेरे पास जॉब नहीं है जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं एक दो जगह इंटरव्यू भी देकर आया हूँ एंड मेरे पास स्कूटी भी नहीं है काम करने के लिए बिकॉज आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू एसेट जो मेरी अगली वीडियोस में एक दो दिन में आप देख लोगे टू डेज नाइनटीन्थ तो आई एम प्लानिंग टू बाय अ कार देख रहा हूँ मैं कार तो अब वो भी देख ही लोगे सो so, क्या लेता हूँ मैं क्या है तो स्टे कनेक्टेड विद मी अगेन और कुछ रह गया माइंड में यश बस हाँ कि जल्दी से मैं आपको एक दो दिन के अंदर अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो वहाँ पर मैं लाइव आता रहता हूँ आपके भी डाउट्स क्लियर होते रहेंगे एंड थोड़ा बहुत आप ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर भी कर लोगे एंड सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अलग मैं बाहर भी यार थोड़ा घूमना फिरना चालू करूँगा आपको भी दिखाऊंगा सब कुछ यूट्यूब पर भी मैं लाइव आने की सोच रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ही मेरे से मेजरली कनेक्टेड हैं तो यूट्यूब पर मैं जल्दी लाइव आऊँगा एक दो दिन में आपको मैं नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा तो मैं आपके वहाँ पर जितना मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपसे सारा शेयर करूंगा लाइव के आधा घंटे की लाइव कर लूंगा मैं तो वो नोटिफिकेशन आप अपडेट मेरे से इंस्टाग्राम पर ले सकते हैं एंड आई ऑल्सो अपडेट अ पोस्ट ऑन यूट्यूब एज वेल दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी थैंक्स फॉर